हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो पे। ओप्पो का फोन में अगर आप लॉक लगाकर पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक भूल गए हो और आप अपने ओप्पो में लगे हुए पिन पैटर्न पासवर्ड को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो आज ही इस वीडियो को लास्ट तक देखकर अपने ओप्पो में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक करना सीख जाओ। जी हाँ फ्रेंड, आपको यहाँ पे कोई भी तरह का पैसा या डाटा डिलीट नहीं होगा, ना आपका कोई पैसा वेस्ट होगा। और हमें कोई भी तरह का कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर या पीसी या टूल्स या एप्लीकेशन कुछ भी यूज नहीं करने वाले हैं। आज जो भी होगा आप लोगों के साथ होगा और आप लोगों के सामने होगा कि कैसे किसी भी ओप्पो में लगी हुई लॉक स्क्रीन को कैसे अनलॉक कर सकते हैं बिना सर्विस सेंटर जाए और बिना रिपेयरिंग दुकान जाए। तो अगर आप अपने ओप्पो में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो पे आप सभी नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ऐसे न्यू वीडियो एंड न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स यूट्यूब पर मैं अक्सर आप सभी के लिए मैं हमेशा लाता रहूं। फ्रेंड, अगर आपका फोन लॉक है तो अनलॉक करने से पहले अपने फोन में से एयरप्लेन मोड के ऑप्शन को ओपन कर लो, नहीं तो अपने फोन में से सिम कार्ड को निकाल लो। एक काम में से, दो काम में से जो आपको काम अच्छा लगा वो कर लीजिए, या तो सिम कार्ड निकाल लीजिए या तो एयरप्लेन मोड के ऑप्शन को ओपन कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको लॉक स्क्रीन पेज पे आना है। आपके फोन में कोई भी तरह का पिन लॉक हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपको इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन कर लेना है और डायल पैड को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर की तरफ से दिया गया कोड FRP अनलॉकिंग कोड है, जो कि दिसंबर सीजन का न्यू लेटेस्ट कोड है। फ्रेंड, आप अपने फोन को FRP अनलॉक कर सकते हो बिना पैसा वेस्ट किए। कैसे, तो मैं अभी अपने फोन में एक FRP कोड को डायल करूंगा, आप लोग अपने फोन में कॉपी कर लीजिएगा। *0*#5110**0*8111#। इस कोड को आपको अपने फोन में बारीकी से ध्यान से कॉपी करना है फ्रेंड, ठीक है। इस कोड को आपको एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से ताकि आपका FRP अनलॉक हो सके। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है, बस आपको कॉल पे क्लिक करना है। आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे परमिशन में ओके कर लेना है, एक बार नहीं मैक्सिमम 4 से 5 बार, 2, 3, 4, 5, 5 बार कॉल करके ओके कर लीजिएगा। फिर इस कोड को इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सेकेंड कोड अप्लाई करना होगा जो कि डाटा रिकवर कोड होगा। फ्रेंड, आपके फोन में कोई भी तरह का इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, कॉन्टेक्ट नंबर, जीमेल या कोई भी एप्लीकेशन है और आप चाहते हो रिकवर करना, तो आप एक और कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका सारा का सारा डाटा रिकवर हो जाएगा। तो चलिए कौन सा कोड है फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ। *#0*#8111#*0*#811#। इस कोड को आपको यूज करना होगा, आपका एक भी डाटा डिलीट नहीं होगा, सारा का सारा डाटा आपका रिकवर हो जाएगा। करना है क्या, 2 बार कॉल करके आपको परमिशन में ओके कर देना है, मैक्सिमम 2 बार, ठीक है। और इस कोड को फिर आपको इरेज कर लेना है। इतना काम कर लेने के बाद आपको होम स्क्रीन पेज पे आना है और लॉक स्क्रीन पेज को फिर से ओपन कर लेना है। अगेन फिर से आपको इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन करके डायल पैड को ऑप्शन को ओपन कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे हार्ड रीसेट कोड दिया जाएगा, सबसे लास्ट और अंतिम कोड जिससे आपका हैंडसेट अब अनलॉक होगा। करना है क्या, *#899# इस कोड को यूज कीजिएगा। आप चले आइएगा आफ्टर सेल पेज पे, आपको यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करना है, सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबसे नीचे आना है, एम सेंसर ऑटो टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है।
आपको यहाँ पे एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक करना है, टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। आपने जो दो कोड एक्टिवेट किए थे वो पास हो चुका है। फिर इसे बैक कर लेंगे और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अदर्स पे। अदर्स पे आते ही रीडिंग रीसेट कंप्लीट इन डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन पास हो जाएगा। फिर इसे बैक कर लेंगे, रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हार्ड रीसेट कोड को अप्लाई करेंगे, *#899#, और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद कॉल कट कॉपी शेयर एंड देन 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है, मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज के ऑप्शन पे चले जाइएगा। आपका एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा, बस आपको होम बटन क्लिक करना है। आपका ओप्पो का एंड्रॉयड स्मार्टफोन कोई भी मॉडल का होगा वो घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।